नमस्कार मी अश्विन बापट आपण बघताय एबीपी माझा या विशेष चर्चेमध्ये आपलं स्वागत पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेले विंग कमांडर अभिनंदन काल भारतात परतले भारताच्या मुत्सद्दीगिरीचं यामध्ये कौतुक देखील झालं त्याचवेळी भारताने ज्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव निर्माण केला त्याचीही चर्चा झाली अभिनंदन भारतात परतले याचा आनंद आहेच त्याचवेळी एकाहत्तरच्या युद्धातील भारताच्या न परतलेल्या चोपन्न वीरांच्या आठवणींनी मन पिळवटून निघालं एकाहत्तरच्या युद्धाच्या वेळी शौर्य गाजवल्यानंतर भारतात न परतलेले फ्लाईट लेफ्टनंट व्ही व्ही तांबे अर्थात ता विजय तांबे त्यापैकीच एक आहेत त्यांच्या पत्नी दमयंती यांनी त्यांचा ठाव ठिकाणा शोधण्याकरता तेव्हापासून जीवाचं अक्षरशः रान केलंय आज अठ्ठेचाळीस वर्षांनी देखील त्यांचे याबद्दलचे अथक प्रयत्न सुरू आहेत आणि याच अठ्ठेचाळीस वर्षांचा त्यांचा हा जो संघर्ष आहे त्याबद्दल आपण आता अधिक बोलणार आहोत त्यांची ही वेदना जाणून घेणार आहोत स्वतः दमयंती तांबे आता सोबत आहेत त्यांच्याकडनं आपण याविषयी अधिक जाणून घेऊया दमयंती आपला अठ्ठेचाळीस वर्षांचा खरंच म्हणजे मन पिळवटून टाकणारा गोठवणारा असा संघर्ष आहे त्याच्याबद्दल आम्ही विचारणारच आहोत पण काल अभिनंदन तीन दिवसात ज्या प्रकारे भारतात आले त्याबद्दलची आपली पहिली प्रतिक्रिया सगळ्यात आधी मला जाणून घ्यायची काय म्हणाल पहिली प्रतिक्रिया तू याय की बहुत खुशी होई की उनको वो वेदना नहीं सहनी पडी जो बाकी बहुत सालों से पिछडे हुए लोगों को सहनी पड़ रही है नहीं, नहीं। बहुत बहुत खुशी परिवार त्या, त्या, त्या काळामध्ये तुम्हाला आता घेऊन जाताना विचारायचं असं की तुमच्या पतींसाठी नेमके तुमचे प्रयत्न कधी सुरू झाले नेमकं कधी कळलं कि ते अजून आलेले नाही आहेत किंवा येत नाहीयेत हे नेमकं तुम्हाला कळलं कधी आणि मग प्रयत्न नेमके केव्हा सुरू केले तुम्ही कसे सुरू केले

इकहत्तर बहत्तर के सुरुवात से ही ये हमारी जो लड़ाई है संघर्ष है उसी समय से चालू हुआ और आज तक वही हमारा संघर्ष चालू है बर बर पण मग एकूण किती जण त्यावेळी तुम्ही तुम्ही ज्या लिस्ट बघितल्यात त्याच्यामध्ये एकूण किती जण तुमच्या पतीन समवेत एकूण किती जण मिसिंग होते आणि साधारण किती दिवसात हा सगळा जो तुमचे प्रयत्न जे आहेत ते मग सुरू झाले नेमके पहिले हम अपने लेवल पे इंडिविजुअल हाँ लेवल पे हम सब का प्रयत्न चल रहा था और जब मेरा प्रयत्न चल रहा था तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जैसे और भी केसेस हैं जिनके साथ ऐसी ही समस्याएं हैं मगर कुछ कुछ सालों बाद भारत सरकार ने पार्लियामेंट पे पार्लियामेंट के फ्लोर पे इसकी सूचना करी कि उनकी जानकारी ऐसी है कि भारत के चालीस इस तरह के डिफेंस के लोग पाकिस्तान के कस्टडी में है उस समय हम आपस में उसके बाद हमारा आपस में मेल हुआ हम लोगों ने सबने मिलके इसका संघर्ष ये उन्नीस की बात है उसके बाद हमने सबने मिलकर ये संघर्ष को शुरुआत करी बर बर करते हैं टाकली होती शोधने करता सुरुआती जब हमें ये जानकारी हुई कि लिस्ट में नाम नहीं आया है लड़ाई के तुरंत बाद हमारी पोस्टिंग उस समय अंबाला में थी और हम उस समय वापस इलाहाबाद जहाँ हमारे पेरेंट्स रहते थे वहां आए तो हमने शाम को रेडियो पे उनका नाम सुना इसी तरह से हमारे और भी जो जानकार थे रिश्तेदार थे पहचान के लोग थे उन्होंने भी आके ये सूचना दी कि उनका नाम उन्होंने रेडियो पे सुना है उनका तो ये जानकारी हुई इसके पश्चात मेरे जो फादर इन लॉ थे वो भी गए और उन्होंने एक न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान से छपता है वो पेपर संडे पाकिस्तान ऑब्जर्वर उस वो पेपर उनको प्राप्त हुआ और उसमें उन्होंने देखा कि पहले ही पन्ने पे ये ज़िक्र था कि भारत के कुछ प्लेन्स गिराए गए हैं और उसमें एक जो पायलट्स का नाम दिया था उसमें हमारे हसबैंड का नाम भी था कि उनको भी उन्होंने अपने कस्टडी में लिया है इससे हमको काफ़ी भरोसा हुआ कि वो पाकिस्तान के कस्टडी में हैं और कभी ना कभी तो उनको हम छुटवा पाने में समर्थ होंगे इस तरह से शुरुआत की लड़ाई हमारी इस तरह से चली और हम ये इंडिविजुअल फिर प्रधानमंत्री से मिलने आना डिफेंस मिनिस्ट्री से मिलने आना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिलने आना ये कार्यक्रम मतलब नियमित ढंग से बार बार चलता रहा इस में मैंने दिल्ली में एक नौकरी भी हमारे फादर इन लॉ के कहने से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नौकरी भी ले ली जिससे हमारा यहाँ पे संपर्क मिनिस्ट्री और बाकी लोगों से बना रहे तो इस प्रकार से हमारा प्रयत्न शुरू से अकेले थे पहले परिवार का योगदान था सहयोग था मगर बाकियों के बारे में नहीं पता था मगर अठहत्तर के बाद हमें जब लिस्ट सरकार ने रिलीज करी तब हमें पता चला कि 40 लोग और हैं जो कि इसी परिस्थिति में हैं तब हमने मिलकर यह संघर्ष शुरू किया बर आता तुम्ही म्हणालात की अनेक मंत्री असतील पंतप्रधान असतील यांच्या तत्कालीन तुम्ही भेटी गाठी घेतल्या तिकडे कोणाला तुम्ही भेटलेला होता आणि त्यावेळी त्या मंत्र्यांचा पंतप्रधानांचा तुमच्याशी संवाद झाला असेल त्यामध्ये काय काय नेमके मुद्दे समोर आलेले होते आणि कशा प्रकारे तुम्हाला सहकार्य केलेल होतं का सांगाल नाही अब इस इतने सालों के बाद आ, कुछ भी कहना बड़ा बेमाने लगता है मगर कोई ऐसा किसी ने आश्वासन नहीं दिया हाँ ये जरूर कहा कि हम कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे इससे इससे अधिक नहीं हुआ मगर बाद में जब हमारे सब लोगों ने हम लोग और प्रूफ दिया जैसे एक मेजर सूरी थे मेजर सूरी के चिट्ठी पत्र तीन चिट्ठियाँ उनके पिताजी के पास आए टाइम मैगजीन में इनका नाम निकला मेजर घोष का नाम निकला इस तरह की जब हमारे पास काफ़ी एविडेंसेस जमा होने शुरू हुए तब हम लोगों ने थोड़ा सा सरकार को पीछे दबाव डालना शुरू किया कि हमारे पास इतने एविडेंस हैं तो आप क्यों नहीं करते इस काम को क्यों नहीं कर वो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है तो उनका आश्वासन तो हमेशा रहता रहा मगर उससे ज्यादा आगे बात बहुत सालों तक नहीं बढ़ी फिर नहीं। हमें 1983 में इन्होंने पाकिस्तान भेजा और छह जनों की एक हमारा ग्रुप बन के गया कि आप जाइए और वहां के जेलों में देखिए वहां जाने का भी हमारा उससे कोई फायदा नहीं हुआ नहीं। आ, उसमें भी कुछ नहीं मिला फिर दो, दो हजार में भी एक बार ट्रिप भेजी मुशरफ जी जब आए मतलब प्रयत्न तो मैं कहूंगी सरकार के तरफ से थोड़ा सहयोग जरूर मिला मगर एक तो बहुत देर में वो प्रयत्न शुरू हुआ और वो उस उत, उसमें उतना जोर नहीं था जैसे आपने कल परसों के केस में देखा कि पूरा देश लग के मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता तो उस जमाने में लोगों को पता नहीं होता था कि इस तरह के केस हैं जो इतने सालों से वहां लोग पड़े हुए हैं तो मीडिया का योगदान नहीं हो पाया और बाकी देश में इतनी जागरूकता नहीं थी या जानकारी नहीं थी लोगों को हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे या वो छोटा सा ग्रुप हमारा 40 50 लोगों का हम आपस में ही सरकार के पास जाना और पीछे पढ़ने का काम कर रहे थे तो सरकार का मदद हो के भी वो उतनी अच्छी मदद नहीं हो पाई मैं कहूँगी जिससे कि ये मसला हल हो पाता क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि ये मसला जरूर हल होना चाहिए था जितनी उसमें शक्ति थी जितने उसमें एविडेंसेस थे उसमें कोई कारण नहीं था कि ये मसला हल ना होता एक विक्टोरिया शोफील्ड नाम की ब्रिटिश ऑथर जो कि बेनज़ीर भुट्टो की अच्छे मित्र मानी जाती थी उन्होंने किताब लिखी भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में जिक्र किया है और उसमें नहीं, नहीं। नहीं। उन्होंने जिक्र किया है कि जिस जिस सेल में जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं। नहीं। रखा गया था उसी के पास वाले सेल में आ, हिंदुस्तान के कैदियों को रखा गया था अब भुट्टो जी का एग्जीक्यूशन वो 1979 में हुआ इसका मतलब ये है कि 79 तक ये लोगों के वहाँ पे होने की सबूत थे वो भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि बेनजीर के मित्र हैं हुँ, हुँ, तो इतने सब होने के बाद भी जब ये मसला इतने साल आज छियालीस अड़तालीस साल हो गए नहीं हो हल हो पाया तो इसमें दर्द के सवा और क्या हमारे पास है बताइए पाकिस्तान उठ जन टीम गो बेटी का तिकड़े पहला जो ट्रिप था हमारा वो 1983 का था। वहां उन्होंने सिर्फ हम लोगों को एक जेल में ले गए थे और एक जेल में जितने भी हिंदुस्तान के कैदी वहां पे थे उनको इकट्ठा बैठा के रखा था मगर उनसे भी जो थोड़ी बहुत हमको आ, आ, इशारों से बात पता चल पाई वो बात तो नहीं करने दे रहे थे हमको मगर इशारों से जो बात कर पाए उससे ये पता चला कि इन्होंने उनको पीछे कहीं छुपा रखा है देखिए एक जेल में बहुत कमरे होते हैं और बड़ी दीवारें होती हैं एक जगह से उठा के दूसरे कमरे में रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता ऐसा हम लोग को महसूस हुआ कि ये हमारे जो हिंदुस्तान के कैदी है जो कि डिफेंस के नहीं थे सिविलियन भी हो सकते हैं उन्होंने ऐसी जानकारी दी हमको लगा उसके बाद हम 2007 में गए जब मुशर्रफ जी 2003 में आके वाजपेयी जी को मिले और वाजपेयी जी के टाइम में आगरा में समिट हुई उन्होंने कहा कि हमारे लोग हैं उनको छुड़ाइए है। तो उन्होंने सीधा नकार दिया था कि नहीं हमारे पास कोई लोग नहीं है फिर भी आपके लोग आके परिवार आके देखना चाहता है तो आ सकता है उस समय हमारे पंद्रह जन का एक ग्रुप गया था और उस पंद्रह को उन्होंने आठ दस जगहों पर ले गए थे मगर वो उनमें से कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो हम जाना चाहते थे तो एक तरह से वो खानापूर्ति पूरी हुई मगर वो जेल नहीं दिखाए गए जहाँ हमें उम्मीद थी और हमने उनसे लिस्ट दी थी कि हमको इन जेलों में जाने की इच्छा है और हमको उम्मीद है कि यहाँ पे हमें लोग मिलेंगे बार, मगर बार, हमको वहाँ नहीं जाने दिया उसके अलावा हमको किसी भी कैदी से नहीं मिलने दिया हमको सिर्फ एक हॉल में जेलर से मिलने देते थे और कहते थे कि अगर आपको देखना है तो आप अपने रे, हमारे रजिस्टर देख लीजिए रजिस्टर में सब अगर उर्दू में लिखा होगा तो हमारे में से तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उर्दू पढ़ पाता तो वो उनका रिकॉर्ड हमारे लिए व्यर्थ था और वहां जाके किसी भी कैदी को ना देख पाना सिर्फ जेलर से बातें करना वो भी व्यर्थ था तो दोनों देश के बीच में ये एक तरह से कार्यक्रम हुआ मगर हम लोगों को सबको बड़ा चीटेड फील करे कि इसकी हमारे देश से तैयारी भी अच्छी ठीक से नहीं हुई थी और और जिस से से भेजा जा रहा था उन्होंने भी अपने तरफ से शायद पूरे देश, पूरे देश दुनिया को दिखाने के के लिए नहीं। नहीं। अपना पूरा कर लिया कि हाँ जी हमने इनको बुला के दिखा दिया मगर उसमें कोई सच्चाई नहीं थी और उसका कोई फायदा नहीं था उस ट्रिप का जैसे तुम्हें तुम्हारा प्रत्यक्ष भेटू दिल गए तुम्हारा तक दाखिल भेटने तर मला तुम्हाला तेच विचारायचं आहे की कुठले असे तुमच्या मनामधले ठिकाण होती की जिकडे तुम्हाला जायचं होतं पण जाऊ शकला नाही तुम्ही आणि हा फॉलोअप तुम्ही इकडच्या सरकारला मग आल्यानंतर दिला असेल तर त्यांचं तेव्हा का नेमकं उत्तर काय होतं मग नाही उनका उत्तर था हमने पूरा डीप ब्रीफिंग में सब बताया कि हमको यहाँ ले गए और हमें नहीं जाना था और कोई फायदा नहीं हुआ और हम तो रिकॉर्ड पढ़ भी नहीं पा रहे थे उर्दू के रिकॉर्ड थे वहां पे किसी से बात हम नहीं कर पा रहे थे तो ऐसा जाना व्यर्थ था तो हमने अपने भारत सरकार के जो भी पदाधिकारी बैठे थे उस समय हमसे भेंट हुई हमने उनको ये बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम फिर से कोशिश करेंगे मगर इस तरह की आधी अधूरी कोशिश बार बार करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब हम पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान वाले बोले कि आप उन्नीस की बात आज 2007 में आपको कैसे लग रहा है कि कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे उनका भी ये तो जो साधारण आपके जो प्रेस वाले हैं ये वो कह रहे थे उनका कहना भी ठीक था कि इतने सालों तक हम क्या कर रहे थे मगर उनको कैसे बताएं कि हम जब उन्नीस सौ तो तेरासी में आए थे उससे भी हमारा भी जो ट्रिप था वो व्यर्थ हो गया था तो इस तरह से ट्रिप हुई भारत सरकार से बातचीत हुई मगर ऐसा लगा कि कुछ चीज रह गई है कुछ जितने जोश से जितने ढंग से उस कार्यक्रम हो। को कार्य करना चाहिए था वो वो पूरी सच्चाई नहीं नहीं थी वो पूरा उस पे जोर नहीं लगाया गया। ये हमारे मन में कार्यो पु सच्चा दमय आणखी काही मुद्दे याच अनुषंगाने जाणून घ्यायचे खास करून तुम्ही जसं म्हणताय की जोर लावण्यात आला नाही काही मुद्द्यांवर निश्चित कमी झालेली आहे असं तुमचं म्हणणं आहे तर ते नेमके मुद्दे कोणते होते आणि आता इथून पुढे या संदर्भात काय नेमकी पावलं टाकण्यात येऊ शकतात हे देखील आम्ही तुम्हाला विचारणार आहोत अगदी एक छोटासा ब्रेक आपण घेतोय अगदी काही क्षणांचा ब्रेक घेऊन लगेच परत येतोय आणि हा संघर्ष अठ्ठेचाळीस वर्षांचा मन गोठवणारा काळीच पिळवटून टाकणारा हा संघर्ष आपण दमयंती यांच्याकडनं जाणून घेतोय आपण बघताय एबीपी माझा एकाहत्तरच्या युद्धाच्या वेळी शौर्य गाजवल्यानंतर भारतात न परतलेले फ्लाईट लेफ्टनंट विजय तांबे यांच्या पत्नी दमयंती यांच्याशी आपला संवाद सुरू आहे कारण अठ्ठेचाळीस वर्ष ते त्यांच्या शोधासाठी संघर्ष करत आहेत आणि ब्रेकपूर्वी अनेक मुद्दे त्यांनी सांगितलेले होते पाकिस्तानमधल्या त्यांच्या भेटीत काय घडलं हे देखील त्यांनी सांगितलेलं होतं दमयंती पुन्हा एकदा मी तुमच्याकडे येईन आणि तुम्ही वारंवार काही मुद्द्यांवर बोट ठेवताय की काही गोष्टी कमी झालेल्या होत्या काही गोष्टी त्या त्यावेळी केल्या गेल्या नाहीत तर मला तुम्हाला तेच विचारायचं की अशी जेव्हा घटना घडते इमिजिएट कशाप्रकारे पावलं टाकण्यात यावीत काय नेमकं घडायला हवं सरकार पातळीवर असं तुम्हाला वाटतं जे तुमच्या वेळी घडलं नाही तुम्ही काय सांगाल हमें दो जो हमारा जो सारे परिवार थे उन्होंने एक दो बार भारत सरकार को ये कहा था कि इस को आप एक प्रोजेक्ट लेके एकदम फोकस करके इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा हमारे से जानकारी जो हमने जमा करी है परिवार होने के नाते और एक कुछ आपके पास इंटेलिजेंस सोर्सेस होंगे या आपकी जानकारी होगी ऐसी सब चीज जितनी भी जानकारी हर व्यक्ति के बारे में है इसके एक एक इशू को एक एक केस को लेके आपको बहुत सीरियसली उस पर काम करना पड़ेगा दूसरी चीज हमने ये कही थी कि कोई भी देश जो जिसका संबंध दोनों देशों से अच्छा है तीसरी किसी कंट्री का हमें मदद लेके उनसे कहना चाहिए कि लड़ाई के इतने सालों के बाद इन कैदियों का कोई उपयोगिता आपके देश में नहीं है ये अब ह्यूमैनिटेरियन इशू है अगर आपको कुछ जानकारी लेनी थी वो लड़ाई के समय आप ले चुके होंगे और अब इसको ह्यूमैनिटेरियन इशू समझ के इस मुद्दे को हल करना चाहिए और जिसके भी देश में अगर हमारे देश में उनके लोग हैं तो हमें उनको वापस कर देना चाहिए और उनके देश में हमारे जो लोग हैं उनको वापस लाना चाहिए तीसरा हमने ये भी कहा कि क्यों नहीं हम ये केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते हैं जैसे आपने अभी देखा होगा कि आ, म, आपके वो मैं नाम इस समय भूल रही हूँ कुलभूषण यादव जी का केस हुँ, गया हुआ है हुँ, 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 और उसके ऊपर भारत सरकार बड़े मुस्तैदी से उस पर काम कर रही है और सरबजीत का केस भी भारत सरकार ने हुँ, लिया था तो हुँ, अगर ये केसे ली जा सकती है तो हुँ, जो आपके युद्ध कैदी जो युद्ध में हिस्सा लिए नेशनल ड्यूटी पे थे उनको कैसे आप छोड़ के कह सकते हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाएंगे आपके केस के लिए क्योंकि हमें दोनों देशों के मिलके ही हमें शिमला एग्रीमेंट के शिमला एग्रीमेंट में आप कर रहे हैं मगर भारत पा, पाकिस्तान सरकार ने तो शिमला एग्रीमेंट की बात को कई बार नकारा है कई बार उसका तोड़ा है तो हुँ, हुँ, हम क्यों उस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्यों नहीं जा रहे इंटरनेशनल बिकॉज ये तो जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक के अंडर में भी आता है कि आप चालीस अड़तालीस पैतालीस साल आप नहीं रख सकते और उनके बारे में और एक जो बहुत ही खास मुद्दा हम बताना चाहेंगे जो पाकिस्तान ने मुशरफ जी ने जब आए उन्होंने कहा हमारे पास कोई भी कैदी कैदी नहीं है। बाद। उसके बाद जो कारगिल के दो कैदी थे वापस आए मुशर्रफ जी के कहने के बाद इसके अलावा पाकिस्तान के में से कुछ कैदी ऐसा पता चला कि डिफरेंट देशों में भेज दिए गए थे एक ऐसा केस ओमान से मिला हमें जहां पे पंजाब के एक व्यक्ति उन्होंने जो ओमान में अब रहते हैं हुँ, और हुँ, उनके पंजाब के कुछ ओमान गए वहां उनकी भेंट उनसे हुई और उन्होंने ये जा, जानकारी दी कि हम युद्ध कह दिए और लड़ाई के कुछ सालों बाद पाकिस्तान ने हम एक पांच सात जनों को ओमान भेज दिया और तब से हम ओमान में रह रहे हैं तो क्या इससे बात ये सिद्ध नहीं होती है और उन्होंने आके बताया यहाँ पे और अंडर ओथ बताया कि ऐसा है ये भी जानकारी हमने अपनी भारत सरकार को अब दी है ये दो का केस है तो बारे, मतलब बारे, 2012 तक हम लोग जानकारियां लेके भारत सरकार को देते आए हैं मगर हम उम्मीद करते हैं कि भारत कौन है कौन नहीं है जब एक सूरी साहब ने चिट्ठी लिखी कैप्टन मेजर सूरी ने कि हम एक चिट्ठी में स्पष्ट अपने पिताजी को लिखा कि हम 20 ऑफिसर यहां पे हैं क्या वो 20 लोग आज तक वापस आए वो तो कौन 20 थे हम इस पे चर्चा आज ना करें तो कोई बात नहीं मगर कोई तो 20 थे जो भारत के सेना के थे आज तक कोई 20 नहीं आया तो इन बहुत सारे मुद्दों के और बहुत सारे सुझाव हमने भारत को दिए हैं सरकार ओ, को जो ओ, जो सरकारें आती गई हैं मगर ओ, हमें दुख इस चीज का है कि अभी तक आज तक किसी भी सरकार ने हमारे इस केस को उतने तत्परता से उतने पुख्ता तेजी से नहीं लिया जितना उनको लेना चाहिए था ये सिर्फ कहना कि पाकिस्तान सरकार कहती हमारे पास कोई नहीं है इतना उत्तर सुन के हम 48 साल के बाद भी संतुष्ट नहीं होते लोगों का कहना है कि क्या आपको लगता है वो आज जीवित होंगे ये सुन के अजब लगता है और मेरा उत्तर ये रहता है कि जब आप और हम जीवित हैं तो ये जीवन मरण तो ईश्वर की मर्जी पे है तो क्यों नहीं हो सकते कम से कम हमारा प्रयत्न पूरा होना चाहिए ऐसी हमारी तत्परता रही और इच्छा रही और आज की सरकार से भी हम यही इच्छा और अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे केसेस को भी एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उठा के और उसका कुछ हाल निकालने का प्रयत्न करेंगे करेंती खूप खूप धन्यवाद आपण या अतिशय कणखरपणे आपण ज्या पद्धतीने बोललात अठ्ठेचाळीस वर्षांचा हा संघर्ष आपण सांगत होतात पण ते सगळी अठ्ठेचाळीस वर्ष जेव्हा आम्ही फक्त इमॅजिन करू शकतो पण प्रत्यक्ष आपण ते भोगलेलं आहे आपण ते सहन केलेलं आहे आणि आपण तो फॉलोअप पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि जसं आपण म्हणालात की आशा आपली जी आहे दुर्दम्य ती कायम आहे आणि हा संघर्ष आपण जारी ठेवलेला आहे आपल्या या शौर्याला आपण मानसिक कणखरतेला आम्ही सलाम करतो आणि खूप खूप धन्यवाद की या अत्यंत महत्वाच्या विषयावर आपण आमच्याशी संवाद साधलात त्याच्याबद्दल